हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनेगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, बनाते हैं हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, बहुत ही जल्दी बनने वाला। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने लिया है हरी मिर्च 200 ग्राम। हमने इसे अच्छे से धो के सुखा के किचन टॉवल पेपर से सुखा लें या स्ट्रेनर के अंदर रख दें थोड़ी देर, तो ये अपने आप ही सूख जाती है। मतलब कहने का है कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है और उसके बाद हमने इसको, आप देख रहे हैं कि इस तरह से बारीक, इस तरह से हमने इसको बीच में से कट लगाया है। सबसे बड़ी खूबी ये है इस अचार की कि इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है, वरना एक साइड से कट लगा के हमें मसाला बीच में भरना पड़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपका बनाने के लिए। इसी तरह हमने सभी मिर्चों को बीच में से इस तरह कट लगा दिया है। और इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, राई 2 चम्मच, सरसों का तेल 4 से 5 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, सौंफ 1.5 चम्मच, आमचूर पाउडर 2 चम्मच, और ये है नमक 4 चम्मच लिए हैं मैंने, हल्दी 2 चम्मच। ये हमने हींग ली है तो हम हींग डालेंगे फ्लेवर के लिए बीच में। तो सबसे पहले हम मिर्च के अंदर नमक डालेंगे, 1 चम्मच हम नमक डाल देते हैं और आप देख रहे हैं आधा बड़ा चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करके इस तरह से 1 घंटे के लिए अलग रख देंगे। इससे क्या है, अगर मिर्च ने पानी छोड़ना होगा तो वो छोड़ देगी, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेगी क्योंकि हमने इसे पूरी तरह से सुखाया हुआ है, बट फिर भी अगर इसने पानी छोड़ना हुआ तो ये पानी छोड़ देगी। इसे 1 घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे और इसमें हल्दी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा। एक पैन को हमने गैस पे रख दिया है और गैस जो है हमने हाई कर दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन और सौंफ, इन दोनों चीजों को हमने हल्का हल्का भून लेना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और ये जो मसाला है हमारा भुना जा चुका है, इसे हम एक कटोरी में डाल लेते हैं। इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं भूनना, इसलिए हमने इसे भुना कि भुनने के बाद इसके अंदर से जो खुशबू उठती है वो खुशबू कुछ अलग ही तरह की होती है और अचार में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसे हम एक ग्राइंडर के अंदर डालकर दरदरा पीस लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो हमने मसाला पीसा है, मोटा मोटा हमने पीसा है, दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं किया और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे आपने भूनना जरूर है बनाने के टाइम। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। बाउल के अंदर हम डालेंगे राई पाउडर, आमचूर पाउडर, 1 चम्मच हम हल्दी का डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी हल्दी डाली है। नमक हमने सारा ही डाल देना क्योंकि नमक थोड़ा तेज हो तो खराब नहीं होता अचार जो, और ये हमने मसाला सारा डाल देना है। अब हम डालेंगे हींग, ये हमने हींग इसके अंदर डाल देनी है, हींग से फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम 2 से 3 चम्मच तेल के डालेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना, थोड़ा सूखा ही रहने देना। थोड़ा सा हम तेल और डाल देते हैं, करीब हमने 3 चम्मच तेल इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारा मसाला जो है बनकर तैयार। अब हम मिर्ची को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मिर्ची जो है वो पानी नहीं छोड़ी ज्यादा, क्यों नहीं, क्योंकि उसको हमने पहले 2 घंटे पहले ही धो के अच्छे से सुखा रखा था। अब हम इस मसाले को मिर्ची के अंदर डाल देंगे, हमने ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह से हमने हिलाना है कि मसाला जो है पूरी तरह से मिर्ची के अंदर चला जाए। आपने देखा है कि इसे बनाने के लिए हमें मिर्ची को भरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये अचार बन जाता है। पूरा कोट हो गया है मसाले का मिर्ची के ऊपर और अंदर भी पूरी तरह से मसाला जो है चला गया है। अब हमने इसे किसी प्लास्टिक या कांच के जार के अंदर डाल देना। प्लास्टिक के जार में डाल रही हूँ मैं, ध्यान रहे कि जार जो है वो गीला नहीं होना चाहिए। ये मसाला भी हम इसी के अंदर डाल देंगे क्योंकि जब हम अचार खाते हैं तो ये मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हम इसके अंदर और तेल नहीं डालेंगे। अब हमने इसके ऊपर एक फॉइल पेपर इस तरह से लगा दिया है और आप चाहें तो यहाँ रबड़ चढ़ा लें, चाहे तो इसके कवर को ऊपर से चढ़ा दें इस तरह से। इसे हमने 2 दिन के लिए तेज धूप के अंदर रख देना है। ये हमने इस तरह से इसको कवर कर दिया है, 2 दिन के लिए हम इसे तेज धूप में रख देंगे। 2 दिन के बाद हम इसे चेक करेंगे तैयार होगा, फिर इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल जो है और डाल देंगे ताकि ये कुछ दिन तक खराब ना हो।
मिर्च का अचार हमने एक दिन की धूप लगवाई है, हमने दो दिन की धूप कही थी लेकिन धूप बहुत ज्यादा तीखी थी तो सुबह से शाम तक की हमने धूप लगवाई है और जो अचार है वो हमारा लगभग बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कि मिर्चें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसे एक दिन की धूप और लगवा सकते हैं बट इसको जरूरत नहीं है। मैं इसे एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये मिर्च बनी है, बनकर तैयार हुई है, कितना अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ है। इसे आप आज ही खा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं इसको खाना कि मिर्च जो है वो धूप में सॉफ्ट हो चुकी है। ये हमारा मसालेदार इंस्टेंट अचार तैयार है मिर्च का। इसको बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं था, आपने देखा इसको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपने देखा है कि मिर्च के अंदर मसाला जो है पूरी तरह से भर चुका है। बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा अचार। आप इसे घर पे बनाएं, जरूर ट्राई करें। आपको ये अचार अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे ये बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने ये अचार को कुछ देर रखना है, ज्यादा दिन के लिए रखना है, तो आपने क्या करना है, इस अचार को मर्तबान के अंदर किसी भी जार के अंदर डालकर उसके अंदर आपने सरसों का तेल और डाल देना है। थोड़ा सा इसको डिप कर देना है तेल के अंदर, इस तरह से जैसे मैंने ये तेल डाला है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ये तेल डाल दिया है। आप पूरी मिर्चें बीच में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालकर रख सकते हैं तो ये अचार जो है ज्यादा दिन तक चलेगा। ये सूखा है मसाले वाला और ये तेल वाला है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।